हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और मैं आपके लिए आज स्पीड टेस्ट लेकर आया हूं नए लॉन्च हुए मी 11X वर्सेस पोको X3 प्रो का। जी हाँ, ये जो फ़ोन है अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर और इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर। प्राइस में डिफरेंस है लेकिन प्रोसेसर का जो कंपेरिजन है वो तो बनता है। सो इस वीडियो में आपको इसका स्पीड टेस्ट, बूट टेस्ट, डिस्प्ले टेस्ट, फेस अनलॉक टेस्ट और भी साइड टेस्ट देखने को मिलेंगे। सो बिना देर करें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार देखो, प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले हम लोग हमेशा करते हैं बूट टेस्ट, जिसमें हम दोनों फ़ोन्स को एक साथ रीस्टार्ट करते हैं और जो भी फ़ोन पहले लॉक स्क्रीन पे आएगा उसे हम लोग पॉइंट दे देते हैं, वो हमारे बूट टेस्ट का विनर हो जाता है। सो आप देखेंगे दोनों को हमने बूट करना शुरू कर दिया है। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर जो मैं आपको बता चुका हूँ, और वीडियो में आगे मैं आपको बाकी भी स्पेसिफिकेशंस बताता चलूँगा। अभी आप देखेंगे पोको मी लिखा हुआ है, लग गया है, एनिमेशन दोनों के स्टार्ट है। ये 5G फ़ोन है, यहाँ पर मी 11X और ये 4G फ़ोन है। बहुत सारे लोगों ने बताया इसे ही 5G होना था एंड यस, काफ़ी क्लियरली पहले लॉक स्क्रीन पर अभी कौन आया है, वो आया है मी 11X। जी हाँ, आपने देखा होगा, और उसके जस्ट थोड़े से टाइम के बाद पोको X3 प्रो भी आ गया था। लेकिन भैया रूल तो रूल होता है, तो जो विनर है वो है मी 11X। अब बारी आ जाती है हमारी स्पीड टेस्ट की, जिसमें जो हमारी एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं हम लोग वो वाली यूज़ करते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि गैलरी, नेटफ्लिक्स, कैमरा ऐप हो गई, गेमिंग हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया। सो इसे हम लोग वन बाई वन सारी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और देखेंगे कौन इन्हें पहले ओपन करता है। सो पहले बारी आती है गैलरी की। आप देखोगे यार कोई अंतर नहीं था, दोनों में आपको मी UI ही मिल जाता है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो ये फ़ोटो है इसे हम लोग करके ऐसे जूम करके छोड़ देते हैं और सेकंड राउंड में देखेंगे क्या ये जो इमेज है ये जूम रहती है या नहीं। अब बारी आ जाती है नेटफ्लिक्स की, देखें इसे कौन पहले ओपन करता है। सो आप देखोगे यार काफ़ी क्लियरली जो साइन इन पेज पे था वो मी 11X ही पहले आया था और उसके बाद पोको X3 प्रो आया। बहुत हल्का सा डिफरेंस था, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस था, आधे सेकंड का डिफरेंस रहा होगा। अब बारी आ जाती है स्पीड टेस्ट की। आपको पता है यार ये वाला टेस्ट जो है ये हम लोग वन बाय वन करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों ने शुरू हो गए, इसमें थोड़ा सा लेट हुआ और दोनों में हम लोग जो सर्वर है वो भी सेम करते हैं। आप देखोगे तो यार वी इंडिया ताकि कुछ वैसे चीटिंग नहीं हो, दोनों सेम वाईफाई पे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे मी 11X में और इसे कर देता हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स रिजल्ट आ गया है हमारे पास। अब हम लोग करते हैं पोको X3 प्रो में टेस्ट और इसे भी कर देता हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया। आप देखेंगे थोड़ा सी डिफरेंस है तो यहाँ पर इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। सो ये तो हो गया देखो स्पीड टेस्ट। अब बारी आ जाती है प्ले स्टोर की, इसे देखते हैं कि कौन पहले ओपन करता है। यार एकदम सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था यहाँ पर। क्रोम ब्राउजर को देखेंगे कौन पहले ओपन करता है और वेब पेज को लोड करता है। अगेन काफ़ी क्लियरली यहाँ पर ओपन दोनों सेम टाइम पे करना शुरू किया था, लेकिन जो वेब पेज लोड हो गया है वो यहाँ पर यानी कि जो हमारा मी 11X है उसके अंदर हुआ है। तो अभी तक देखो जो भी था कहीं ना कहीं मी 11X कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से ही था लेकिन जीत रहा था। प्ले स्टोर पे बराबर रहा, स्पीड टेस्ट में बराबर रहा, लेकिन बाकी दो में थोड़ा सा आगे था। गैलरी में भी बराबर था, माय बैड। सो अब बारी जाती है हमारे गेमिंग सेक्शन की। सबसे पहले हम लोग फ्री फायर को ओपन करके देखते हैं कि कौन पहले इस गेम को ओपन करता है। आपने देखा होगा वो होम स्क्रीन का कुछ फ्लक्चुएट हुआ, दोनों के टर्बो जो गेम टर्बो मोड शुरू हो गए एंड स्टार्टिंग से ही जो लीड है वो मी 11X के पास है। तो देखा जाए तो सो आप देखेंगे काफ़ी क्लियरली जो साइन इन पेज वाली चीज़ थी, आप बोलेंगे गेम भी पहले कहाँ पर हुआ, वो यहाँ पर हुआ था। टैप टू बिगिन दोनों में हमने कर दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आवाज़ कम कर देता हूँ और बात कर लेते हैं हम लोग। तो यार देखो जो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा पोको X3 था या बोलें जो स्नैपड्रैगन 860 था वो बहुत ही ज़्यादा पीछे था, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सेकंड्स की डिफरेंस है, लेकिन मी 11X भाई आगे था यानी कि स्नैपड्रैगन 870 आगे था। अब बारी आ जाती है अगले हैवी गेम की जो है कॉल ऑफ ड्यूटी, देखते हैं कि इसे कौन पहले ओपन करता है। और यहाँ पर अभी देखो बहुत हल्की सी लीड पे पोको X3 प्रो है और नहीं आई थिंक दोनों सेम, जी नहीं जो साइन पेज वाली चीज़ है उस पर सबसे पहले पोको X3 प्रो आया था। हम देखेंगे ऑटो साइन इन भी पहले इसी ने स्टार्ट किया है। तो भाई यहाँ पर अभी तक अगर देखा जाए तो जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो पोको X3 प्रो में कहीं ना कहीं आगे था, लेकिन जो रूल है कि भाई लॉबी में पहले कौन पहुँचेगा तो वहाँ पर मैं बोलूँगा यार एकदम सेम था। तो यहाँ पर एकदम नेक टू नेक हुआ था, पर कहीं ना कहीं इसने भाई जो अपना 870 था या मी 11X था इसने भाई कहीं ना कहीं जो अपनी पीछे हुआ था वो इसने कवर कर लिया। अब आप यहाँ पर देखोगे जो फ़ोन है
इसमें तो यार देखो नॉर्मल एनिमेशन हम लोगों को देखना था, आप देखोगे तो यार ऐसा कुछ था नहीं, दोनों एकदम सेम टाइम पे ओपन हुए थे। कैमरा ऐप को भी एक बार अगर हम लोग देख लें तो यार देखो ये भी एकदम ही सेम है, क्योंकि ये यूआई दोनों का सेम ही ऐसा है। तो अभी डिस्प्ले टेस्ट पे हम लोग आगे जाएंगे, पहले एक बार देखते हैं कि जो इमेजेस हमने ओपन करके रखी थी, देखो यार दोनों में जूम है, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। स्कोर हमारा बरकरार है या नहीं, तो आप देखोगे दोनों में स्कोर भी बना हुआ है, साथ में जो हमारा गेम था जी हाँ जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं पर ही है। इसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी को अगर हम लोग देख लें, जहाँ छोड़ा था वहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर जो दोनों चीज़ें थी वो एकदम सेम ही रही, और माय बैड हम लोग 1, 2, 3 भी चेक कर लें। जी हाँ, तो जैसी उम्मीद थी ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस थी वो एकदम सेम ही थी, तो जो रिज्यूम हुई थी वो रिज्यूम ही हुई है, कोई सी भी बंद नहीं हुई है। तो भाई ये तो हो गया देखो स्पीड टेस्ट, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भले से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से, लेकिन 870 कहीं ना कहीं आगे तो है, ऐसा है। और अब चलते हैं हम लोग हमारे डिस्प्ले टेस्ट की तरफ। तो डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यार पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको मिलता है 6.67 इंच का एफएचडी प्लस डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात कर ली जाए तो यार देखो एमोलेड है तो कहीं ना कहीं भैया मी 11X के पास एच तो है, और जो कलर वाइज भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बेटर कलर हैं हमारे मी 11X में। देखो डिस्प्ले साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में पंच होल है, चिन ऑलमोस्ट सेम है, इसकी बहुत हल्की सी बड़ी है इसके मुकाबले, बहुत हल्की सी, बहुत उसे इग्नोर किया जा सकता है। तो यह तो यार देखो डिस्प्ले क्वालिटी आपको भी समझ में आ रही होगी कि राइट में जो मी 11X है उसमें ज़्यादा अच्छी है। और जो पंच होल है ये भी मैं आपको एक बार बता दूँ कि यार इसका जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा है इसके मुकाबले। तो यार देखो ये तो हो गई हमारे डिस्प्ले की बात, अब एक बार इसके फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर वाले टेस्ट की हम लोग बात कर लें। तो यार देखो दोनों में मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, तो ये देखो आप दोनों में आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो ये देखो 1, 2, 3 आप देखो दोनों में एकदम बढ़िया तरीके से अनलॉक हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि यार भाई फेल होने वाली चीज़ या ऐसा कुछ हो। साइड माउंटेड यार मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या ऐसे थोड़ा एक हाथ से अनलॉक करना मुश्किल होता है, ऐसा है, लेकिन दोनों का भी बढ़िया काम कर रहा है। फेस अनलॉक की भी एक बार बात कर लें तो आप देखोगे तो यार देखो वो भी एकदम बढ़िया है, दोनों में फटाक से हो रहा है, आप देखो यहाँ पर, तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा अब बारी आ जाती है हमारे यू नो आगे, यानी कि हम लोग डिज़ाइन जिसके ऊपर हम लोग बात कर लें। तो आगे जो डिफरेंस था यार वो मैंने आपको बताया कि इसका पंच होल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, आपको एक बार मैं ऐसे वाइट वाली उस पर करके दिखा दूंगा तो आई होप आपको ज़्यादा बेटर तरीके से विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप देखोगे अब आपको काफ़ी क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका पंच होल थोड़ा सा बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है, और इस पंच होल में ही दोनों के फ्रंट कैमरा हैं जो कि 20 मेगापिक्सल के हैं, ठीक है। दोनों की अगर इधर राइट स्पाइन पे आप आ जाओ तो देखो वॉल्यूम रॉकर पावर बटन है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह भी काम करता है। लेफ्ट साइड पे आप अगर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगी, और इसमें सिम ट्रे नीचे मिलेगी, और नीचे यहाँ पर आओगे तो देखो यूएसबी टाइप सी 3.5 जैक आपको पोको में मिलेगा, और यहाँ पर आपको 3.5 जैक नहीं मिलता जो कि मेरे हिसाब से हमेशा होना चाहिए। स्पीकर ग्रिल भी है। ऊपर आप आ जाएंगे तो देखो यार यहाँ पर आईआर ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक्रोफोन्स, ये सब देखने को मिलेंगे। पीछे आप आ जाओगे तो देखो यार आप देख रहे हो कितने खतरनाक ही फिंगरप्रिंट इसने लिए हैं, आप ये देखो मतलब जैसे जो ग्लॉसी सा वो है इसमें है ना, ये जिन्होंने मैट फिनिश पोको X3 मैं आपको ये मैट फिनिश नहीं मिलती है, पूरा ग्लॉसी मिलता है, जो डिज़ाइन का एक एलिमेंट का चेंज है पोको X3 प्रो और पोको X3 में ये कि ये आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है, बैटर थोड़ी सी ग्रिप हो जाती है इससे, नो डाउट। बैटरी वैटरी का भी डिफरेंस है, वो इसका वीडियो ऑनलाइन है, आप चाहो तो कंपैरिजन देख लेना। यहाँ पर बात करें तो और जो चेंजेस हैं आप देखो यहाँ पर Xiaomi 5G लिखा है, यहाँ पर पोको की ब्रांडिंग दिखी जाती है। फिंगरप्रिंट तो देखो दोनों लेंगे, ये बीच बीच में लेगा, ये पूरी बॉडी पे लेगा जो बैक पैनल है उस पर। कैमरा मॉड्यूल की प्लेसमेंट भी भाई पूरी ही चेंज है, यहाँ पर राउंड मिलती है, यहाँ पर आपको वर्टिकल प्लेस मिलती है। इसके अलावा मेगापिक्सल की बात करें तो यहाँ पर है 4 कैमरास 48, 8, 2 and 2 मेगापिक्सल के, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 48, 8 and 5 मेगापिक्सल के कैमरास। तो ये है यार देखो AI ट्रिपल कैमरा भी यहाँ पर लिखा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, यहाँ पर आपको पीछे ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिंगरप्रिंट तो देखो अच्छे खासे लिए हैं, तो साफ करना पड़ेगा वरना कवर लगा देना। अब अगर बैटरी की बात कर लें तो जो पोको X3 प्रो है इसमें आपको मिलती है 5160 mAh की बैटरी जो कि 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ है, और यहाँ पर जो मी 11X है इसमें आपको मिलती है 4520 mAh की बैटरी जो कि 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ है। तो यार देखो ये तो हो गया एक हमारा स्पीड टेस्ट एंड ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन पोको X3 प्रो वर्सेस मी 11X। आपको इनके और कौन से वीडियोस देखने हैं, दोनों के गेमिंग वीडियोस भी ऑनलाइन है, आप वो भी जाके देखना, और कोई वीडियो देखना मुझे कमेंट करके बताना। इसका मैंने क्या कहते हैं जो IQ7 उसके साथ भी कंपैरिजन किया वो भी जरूर देख के बताना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में और एंड में मिल जाएगी। प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।